गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया था मेरी ईमेल पे ये पूछते हुए कि ग्रामर स्कूल्स में एडमिशन कैसे होते हैं, अगर मैं इंडिया से अप्लाई करूंगा तो मेरे बेटे को ग्रामर स्कूल में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, उसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है, मेनली एग्ज़ाम्स के बोर्ड क्या हैं, उनका करिकुलम कैसा है, किस एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को देख के मैंने सोचा कि मैं सीधा सीधा एक वीडियो ही बनाता हूँ इस टॉपिक के ऊपर और इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि यूके में अगर आपको ग्रामर स्कूल में अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। एज़ पर द यूके लॉ 5 to 16 की जो एज होती है उसे कंपलसरी एजुकेशन एज बोलते हैं और हर एक बच्चे को वहाँ पर एजुकेशन लेनी ही होती है और गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हर एक बच्चे को स्टेट स्कूल में एजुकेशन फ्री मिले। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था यहाँ के स्कूल सिस्टम के बारे में, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यूके का जो एजुकेशन होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी एजुकेशन। अब तो ईयर 6 हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, ईयर 7 एंड अबव की एजुकेशन को यहाँ पे हम सेकेंडरी एजुकेशन बोला जाता है। सो ग्रामर स्कूल के जो भी एडमिशन्स होते हैं वो आपके हमेशा सेकेंडरी स्कूल्स के लिए होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स के लिए नहीं होते। सो अगर हम ये देखें कि सेकेंडरी स्कूल्स यूके में डिवाइडेड कैसे हैं, तो सबसे पहला आता है वो स्टेट स्कूल जिसको हम बेसिकली काउंसिल स्कूल या काउंटी स्कूल भी बोलते हैं, जो कि आपके फ्री गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं और जो यहाँ का एडमिशन होता है वो आपके कैचमेंट एरिया के बेसिस पे होता है। आप दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइवेट स्कूल्स जो कि पेड स्कूल्स होते हैं जहाँ की फीस काफ़ी हाई होती है, लगभग £15,000 पर ईयर, ये एक एवरेज कॉस्ट है। अगर आप लंदन या बाकी एरियाज में जाते हैं तो ये कॉस्ट इनफैक्ट और ज़्यादा बढ़ के आती है, कई कंडीशन में ये आपके £25,000 to £30,000 पर ईयर तक जाती है। जो इसके एडमिशन्स होते हैं वो आपका बेसिकली जो मेन क्राइटेरिया होता है वो एग्ज़ाम होता है और दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी, अगर आप इतनी हाई फीस अफोर्ड कर सकते हो यू कैन पुट योर किड्स ओवर देयर एज़ वेल। और एक तीसरा ऑप्शन आता है ग्रामर स्कूल। ग्रामर स्कूल्स होते हैं ये भी आपके गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, फ्री होते हैं और इनके एडमिशन का जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है एग्ज़ाम और कैचमेंट एरिया बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ग्रामर स्कूल्स इतने प्रिफर्ड क्यों हैं। आपने बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को देखा होगा जो भी यूके में आते हैं या यूके के भी जो यहाँ के लोग होते हैं वो ये प्रिफर करते हैं कि उनका बच्चा ग्रामर स्कूल में जाए। तो यहाँ पे ग्रामर स्कूल का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कम्प्रिहेंसिव स्कूल। ग्रामर स्कूल का जो एडमिशन है वो सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, इट मीन्स आपको एक सेपरेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पे 11+ एग्ज़ाम बोलते हैं। तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पे जो एंट्री होती है ग्रामर स्कूल की काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाती है। तो अगर आप नंबर ऑफ स्कूल्स के हिसाब से देखेंगे तो यूके में आज के दिन में करेंटली 164 ग्रामर स्कूल्स हैं और वेल्स में समय अराउंड 60 के आसपास हैं, वेयर एज नंबर ऑफ स्टेट सेकेंडरी और स्टेट सेकेंडरी स्कूल्स इन यूके इज़ अराउंड 3000। तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हायर स्टेट सेकेंडरी स्कूल्स अवेलेबल हैं यूके के अंदर एज कम्पेयर टू द ग्रामर स्कूल। जो भी आपके ग्रामर स्कूल्स हैं वहाँ पे आप एग्ज़ाम पास करके आते हो तो आपका एक लेवल काफ़ी हाई होता है, वेयर एज जो आपके नॉर्मल कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स या स्टेट स्कूल बोलते हैं वहाँ पे हर कैटेगरी के बच्चे आते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपके सिर्फ कैचमेंट एरिया के बेसिस पे आपको लेना होता है। और ये भी देखा गया है कि नॉर्मली जो भी आपके ग्रामर स्कूल्स होते हैं उनकी GCSE के रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं, बल्कि भी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट होते हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स। सो जो ग्रामर स्कूल के नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट एक सेम एबिलिटी के होते हैं, तो जो टीचर्स को उनके ऊपर सो फाउंडेशन से ऊपर के लेवल पे जाके आपको एडवांस लेवल पे भी समझाना है तो उनको उतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली। और बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो भी आपके ग्रामर स्कूल्स होते हैं दे आर अमंग द हाइएस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स इन लोकल और नेशनल लेवल पे। क्वालिटी ऑफ टीचिंग यहाँ पे नॉर्मली क्या होती है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है। ग्रामर स्कूल में आपको अप्लाई कब करना है, सो यूके में नॉर्मली हमने पहले अपने पिछले वीडियो में बात की जिसका 5 में आपका बच्चा रिसेप्शन ईयर में जाता है, एज 6 में ईयर 1, एज 7 में ईयर 2 में जाता है और रिसेप्शन ईयर का जो एडमिशन होता है वो ईयर 4 से एक साल पहले से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और रिसेप्शन ईयर में जाने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हो और प्राइवेट स्कूल में जा सकते हो। अगर आपको प्राइवेट स्कूल में जाना है तो आपको एप्लीकेशन डायरेक्टली स्कूल में करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल या काउंसिल स्कूल्स में एडमिशन लेने हैं तो आपको एडमिशन करना है काउंसिल की वेबसाइट पे। प्राइमरी स्कूल के बाद नॉर्मली हमारा सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट होता है जो कि स्टार्ट होता है ईयर 7 ऑनवर्ड। अभी ये क्वेश्चन आता है कि आपको
सेकेंडरी स्कूल में जाने के लिए अप्लाई करने कब करना है, अपने ग्रामर स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना होता है। सो प्राइमरी से सेकेंडरी के जो मूवमेंट होते हैं वो बेसिकली आपके तीन तरीके से हो सकते हैं। अगर आप सीधे स्टेट स्कूल्स में अप्लीकेशन करके आप कैचमेंट एरिया के बेसिस पे जा सकते हो, आप डायरेक्टली प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन होता है आप ग्रामर स्कूल्स के लिए अप्लीकेशन डालो। अभी देखते हैं सेकेंडरी स्कूल्स में एडमिशन्स की टाइमलाइंस क्या है। प्राइमरी स्कूल्स में आपका बच्चा ईयर 5 में जब होता है तो उसमें उसकी एज 10 साल के आसपास होती है, ईयर 6 में एज 11 के आसपास होती है। इस समय आप एप्लीकेशन डालते हो सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए। और नॉर्मली सारे ग्रामर स्कूल में जो एडमिशन होता है वो एज 7 के लिए ही होता है, बट बहुत सारे ऐसे ग्रामर स्कूल्स हैं जो कि एंट्री लेते हैं 13 प्लस या ईयर 9 के ऑनवर्ड्स, और बहुत सारे ऐसे ग्रामर स्कूल भी हैं जो कि ईयर 16 प्लस में भी एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे ग्रामर स्कूल्स अपने डिसएडवांटेज पीपल्स के को भी उन्होंने एडवांटेज देना शुरू किया। सो यूके में अपने सारे ग्रामर स्कूल्स को अपना टेस्ट रन करके उसके रिजल्ट्स को स्टेट स्कूल्स एप्लीकेशन की डेडलाइंस के पहले देने होते हैं। तो इससे पेरेंट्स को ये आइडिया लग जाएगा कि वेदर उनको ग्रामर स्कूल्स में अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली आपका जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन होती है वो समर टर्म में आती है, और जिनके टेस्ट होते हैं वो समवेयर अराउंड सेप्टेम्बर में रन होते हैं, और सेप्टेम्बर सेकेंड वीक में नॉर्मली इनके 11 प्लस के जो एग्जाम्स होते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने बच्चे को ग्रामर स्कूल के लिए तो आप इसको एग्जाम को देना है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में नॉर्मली आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, अक्टूबर लास्ट वीक में आपको अपने स्कूल्स के ऑप्शन से अपनी काउंसिल को सबमिट करते हैं। तो ये टाइम के बाद की जो भी टाइमलाइन है वो बहुत ही सिमिलर है अपनी नॉर्मल स्कूल एडमिशन प्रोसेस की, जिसका डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मार्च फर्स्ट वीक में आपको स्कूल की प्लेसेस ऑफर होती हैं, मार्च थर्ड वीक में आपको स्कूल की प्लेसेस एक्सेप्ट करनी है। स्कूल में अप्लाई किया है वहाँ से आपको रिजेक्शन आया है तो आप मई से जुलाई के बीच में आप उनकी वेटलिस्ट को चेक कर सकते हो या अपनी अपील प्रोसेस के लिए शुरू कर सकते हो, और सेप्टेम्बर ऑनवर्ड अपनी सेकेंडरी स्कूल को ज्वाइन करके आप अपनी एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। सो ये था एक नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस ग्रामर स्कूल के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे को ग्रामर स्कूल में एडमिशन दिला सकता हूँ या नहीं दिला सकता हूँ, या मैं ग्रामर स्कूल में इन ईयर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो एक बार हम उन चीज़ों को भी देखते हैं कि इन ईयर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है ग्रामर स्कूल में। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, आप सारे स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रामर स्कूल में भी अपने बच्चे को आपकी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपके बच्चे को वहाँ पर वो वेटिंग लिस्ट में ऐड करके रखेंगे अगर पोजीशंस अवेलेबल नहीं होता। और नॉर्मली ग्रामर स्कूल्स की जो सीट्स होती हैं वो ईयर 7 से ईयर 13 के बीच हार्डली ही कोई पोजीशन वहाँ पे वैकेंट होती है। सो अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई प्लेस अवेलेबल हुई, विच इज़ वेरी हाईली अनलाइकली, तो जितने भी किड्स वेट लिस्ट पे होते हैं वहाँ पे उन सबको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और जो भी बच्चे वहाँ पर क्वालिफाई करते हैं वो उनको वो सीट्स ऑफर की जाती हैं, बाकी सारे के सारे बच्चे उस वेट लिस्ट पे ही रहेंगे। स्कूल में एडमिशन के लिए जो एग्जाम होते हैं उसको हम बोलते हैं 11 प्लस एग्जाम, और जो ये एग्जाम होता है नॉर्मली ये चार सब्जेक्ट में होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। नॉर्मली जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं यहाँ पे, स्पेशली नॉन वर्बल रीजनिंग के। इसमें स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर दे देगा, वो बोलेगा कि इसको मैं हम फ्लैट करके देखें तो कैसा दिखेगा। सो यहाँ पे नॉर्मली आपके बच्चे को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कई बार स्कूल प्रोवाइड करता है नहीं प्रोवाइड करता है, तो आप वहाँ पे अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पे अलग टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं 11 प्लस एग्जाम्स के लिए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूके के जो 164 ग्रामर स्कूल्स हैं उन 164 में तो अराउंड 85% जो है वो अकेडमीज के फॉर्म में है, राइट। ये अपने एडमिशन के क्राइटेरिया खुद सेट करते हैं और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि इस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है। एंड मेनी टाइम्स आपको जितने भी स्कूल्स हैं उनके इंडिविजुअल एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो यूके में अनटिल अनलेस देयर आर सम काउंटीज सम स्कूल्स विच फॉर्म अ कंसोर्टिया, तो आप वहाँ पे कॉमन टेस्ट लेते हैं। टेंथ के कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इंडिविजुअल एग्जाम्स ही देने पड़ेंगे स्कूल्स के लिए। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा वैरी करते हैं स्कूल टू स्कूल, और पेपर का बेसिकली जो लेआउट होता है और लेंथ ऑफ जो एग्जाम्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर। सो बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको चारों आपको वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश चारों के एग्जाम देने पड़े, कुछ जगह सिर्फ 3 देने पड़ सकते हैं, कुछ जगह उन चारों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। और आपको अपने जिस भी स्कूल को आप चूज कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको सारी डिटेल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आपने स्टेट फंडेड ग्रामर स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर नॉर्मली कोई इंटरव्यू प्रोसेस
पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का नहीं होता, बट एग्जाम्स के लिए कौन कौन से काउंसिल्स हैं, उनके रूट्स क्या है, एक बार हम वो भी देखते हैं। तो अगर आप देखोगे लिंकन शायर में, तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो आपके नॉर्मली वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के एग्जाम देते हैं। बकिंगम शायर के जो बच्चे हैं नॉर्मली वो वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और नॉन वर्बल रीजनिंग के एग्जाम्स देते हैं। कैंट में जो फेमस कैंट टेस्ट है वहाँ पे नॉर्मली, जो कि सारे स्कूल्स के लिए वैलिड होता है, वहाँ पे कैंट काउंटी में जो भी स्कूल्स हैं ग्रामर स्कूल्स वहाँ के लिए, वहाँ पे आप बच्चों को चारों सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ते हैं। और लंदन बोरो ऑफ बेक्सली के लिए आपको सिर्फ मैथ्स और वर्बल रीजनिंग का पेपर देना है। एसेक्स में आपको वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पेपर देना है। जबकि नॉर्थ यॉर्कशायर, हैरोगेट और यॉर्क एरिया, जहाँ हम बच्चों को दो टेस्ट में बैठने होते हैं क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर आते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी एरिया हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काउंसिल्स होते हैं जहाँ पे आपको सेलेक्टिवली अप्लाई करना होता है उन स्कूल्स में एडमिशन के लिए, जबकि कुछ ऐसे काउंसिल्स जैसे बकिंघम शायर, वहाँ पे आपको ऑप्ट आउट करना होता है। अगर वहाँ पे हर एक बच्चे को वो एग्जाम देना होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रामर स्कूल में ना जाए, तो आपको बच्चे को वहाँ पे डिसाइड करके आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, या आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बच्चा वो एग्जाम नहीं देगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैसा, किस जगह पे कौन से बोर्ड्स में एग्जाम्स होते हैं, एक बार वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली 11 प्लस के एग्जाम्स होते हैं, वो जनरली दो बोर्ड्स में होते हैं, जिसको हम जीएल बोर्ड या ग्रैंडा लर्निंग बोलते हैं, और दूसरा है सीईएम बोर्ड, जिसे कैम्ब्रिज असेसमेंट सेंटर ऑफ इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग कहा जाता है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम बना के देती है। तो अगर हम इसके सब्जेक्ट्स को देखें, तो जीएल बोर्ड में नॉर्मली आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं 11 प्लस लेवल पे, जिसपे आपके एग्जाम देने होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, स्पेशल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। और जो इनके जो एग्जाम्स होते हैं नॉर्मली वो 45 मिनट्स तक चलते हैं, और क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो नॉर्मली मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं, बट देर कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो आपकी एक रिटन आंसर के फॉर्मेट में आपको वर्बल और मैथ टेस्ट को लेती हैं। तो ऐसे जो भी काउंटीज जीएल बोर्ड या ग्रैंडा लर्निंग को फॉलो करती हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा वहाँ पे जाए, तो आपके पास बहुत ही स्ट्रांग वोकैब होनी चाहिए, आपका लॉजिक सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मैथ और स्पेलिंग स्किल्स जो होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और अगर हम बात करें सीएम बोर्ड की, तो यहाँ पे बेसिकली जो कवर होता है वो होता है न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग कवर होती है। और इनका ये क्लेम होता है कि अगर आपका करिकुलम है वो काफ़ी क्लोज है नेशनल करिकुलम के साथ, तो और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनके जो टेस्ट होते हैं, वो स्टैंडर्ड और मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट के फॉर्म में दोनों होते हैं। नॉर्मली दो पेपर होते हैं, एक में आपको शॉर्ट टाइम सेक्शंस होता है, और दूसरे में आपको एक कंप्रिहेंसिव राइटिंग करके भी दिखाना पड़ता है। तो अगर आप सीएम बोर्ड के लिए जाना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कंप्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी वोकैब, स्पेलिंग और मैथ टेस्ट का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और जबकि बहुत सारे ऐसे काउंसिल हैं सच एज गिवन, एसेक्स, हर्टफोर्डशायर, ट्रफोर्ड, विल्टशायर, यॉर्कशायर, ये आपके नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ जीएल और सीएम दोनों यूज करते हैं। और जो सारे के ग्रामर स्कूल्स हैं नॉर्मली उनका खुद का एक टेस्ट पेपर होता है, जिसको सिलेक्टिव एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसका करिकुलम स्लाइटली डिफरेंट है आपका जीएल बोर्ड और सीएम बोर्ड से। ये देखते हैं कि 11 प्लस एग्जाम्स के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं वो आपके स्टैंडर्डाइज स्कोर के फॉर्म में मेंशन होते हैं। उसका पर्पज ये होता है कोई भी ऐसे वेरिएबल इन टेस्ट से निकाल सकें और सारे बच्चों को एक इक्वल कंपैरिजन का वहां पे मौका मिले। रिजल्ट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंट पेपर के डिफरेंट वेटेज होते हैं, जो कि एक एग्जाम्स बोर्ड होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो आपके बच्चे की एज को अकाउंट में लेते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर आपका बच्चा एक साल बाद ये एग्जाम दे रहा है, तो उसकी वोकैब एज कम्पेयर टू द एक साल पहले के का जो बच्चा है उससे थोड़ा ज्यादा होगी, तो इन सब सारी चीजों को वहां पे ध्यान देते हैं। और कई आपकी एग्जाम पेपर की डिफिकल्टी क्या है ये भी डिसाइड करती है कि आपकी स्कोरिंग या रैंकिंग कैसे होने वाली है। बहुत सारी ऐसी काउंसिल हैं जो सेट पासिंग मार्क्स फिक्स करती हैं वहां पे, और जो ये इंश्योर करता है कि सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स वहां पे आए और सारी प्लेसेस को फिल करें। अगर हम बात करते हैं पास रेट की, तो बहुत ज्यादा वैरी करता है अक्रॉस यूके। कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक सीट के ऊपर नॉर्मली 8 से 10 स्टूडेंट बैठते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे एक अवेलेबल प्लेस के ऊपर कई बार 30 से 40 बच्चे एग्जाम देते हैं। सो अभी ये देखेंगे कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना है। आपकी 11 प्लस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, आपका बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया, सो अभी आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, अभी भी आपको अपने काउंसिल के थ्रू ही ग्रामर के जो भी ग्रामर स्कूल है वहां अप्लाई करना है, बिना उसके आपको एडमिशन नहीं मिलना। और जब मैं बात करता हूँ काउंसिल में रह के अप्लाई करने के लिए, तो एक रूल आपको याद रखना है, वो ये है कि आपको उस काउंसिल में मिनिमम 1 साल पहले से रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा 2023 में आपके बच्चे को ग्रामर स्कूल का
एग्ज़ाम देना है वहाँ उस काउंसिल में, तो आपको 2022 में उस काउंसिल में शिफ्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो नाउ अभी दूसरा कंडीशन ये आता है कि व्हाट इफ मेरा बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बात अभी भी ऑप्शन है कि वो अपने काउंसिल के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स में एडमिशन ले सकता है। तो अगेन आपको यहाँ पे भी काउंसिल के वाया काउंसिल आपको अप्लाई करना है स्टेट स्कूल में, अगर आप चाहते हैं तो आप इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उस कंडीशन में आपको स्कूल्स को डायरेक्टली रीच आउट करना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन में नॉर्मली आपका सितंबर के आसपास आपका बच्चा सेकेंडरी स्कूल शुरू करेगा अगर उसको प्लेस आई है तो। और ये प्रोसेस कैसे चलता है, अप्लीकेशन ऑफ ऑन द काउंसिल या फिर आपको स्कूल की प्लेस कैसे करनी, उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो किया था यूके एजुकेशन सिस्टम के बारे में या स्कूल यूके स्कूल एडमिशन के बारे में, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार खास जो याद रखने वाली है कि पासिंग 11 प्लस एग्जाम ये इंश्योर नहीं करता कि आपको ग्रामर स्कूल में प्लेस मिलेगा ही मिलेगा। ग्रामर स्कूल का एग्जाम वन एक चीज हो गई राइट, बट हर एक स्कूल का क्राइटेरिया अलग हो गया। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो कि सिर्फ आपका फोकस करते हैं हाईएस्ट स्कोर के ऊपर, जबकि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो कि आपका हाईएस्ट स्कोर और आप स्कूल में कितना पास रहते हो उन दोनों चीजों को देखते हैं। सो काउंसिल के थ्रू अप्लाई करो, ऑलवेज इंश्योर करो कि जितने भी प्लेसेस आपको फिल करनी है वो सारी प्लेसेस आप वहां पे डालो। एक बार सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज डिस्कशन। काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे इन ईयर एडमिशन फॉर ग्रामर स्कूल्स का प्रोसेस क्या होता है, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो अगर मैं बनाऊं तो काफी हेल्पफुल होगा पेरेंट्स के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम टुडे, हैव अ नाइस डे।